ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, रॉक योर एग्जाम, पेपर आपका जबरदस्त जाएगा, एकदम स्ट्रेस फ्री होकर एग्जाम्स देना है, थोड़ा सा भी ओवरथिंकिंग नहीं करना है, और स्टार्टिंग का 15 मिनट्स विल बी योर गेम चेंजर। जो स्टार्टिंग का 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम मिलता है उसमें आप डिसाइड कर लीजिएगा कौन सा क्वेश्चन हमें पहले अटेम्प्ट करना है। इनफैक्ट कभी भी सीक्वेंशियली जाने का दरकार नहीं है, जो क्वेश्चन आपको सबसे अच्छे से आता है पहले वो अटेम्प्ट करना। एंड डू नॉट फॉरगेट टू राइट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2 ए, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1 बी, एंड ऑलवेज स्टार्ट अ फ्रेश क्वेश्चन फ्रॉम अ नेक्स्ट पेज। एंड टाइम मैनेजमेंट इज वेरी एसेंशियल, स्टार्टिंग से अच्छे से टाइम मैनेज करना, स्टार्टिंग का 2-3 क्वेश्चन जबरदस्त फोड़ कर लिख देना, जिससे आप एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट कर सकोगे एग्जामिनर के माइंड में, ओके? और 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करके आने, चाहे जो भी हो जाए, मेक श्योर यू आर अटेम्प्टिंग 100 मार्क्स, ठीक है? एंड एक ही कलर का पेन यूज करना है, और लास्ट में अगर टाइम मिले तो आप अपने जितने भी सेक्शंस, केस लॉज वगैरह, अगर आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा टू मेक योर आंसर्स मोर विजिबल बिफोर द एग्जामिनर। सो गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, यू आर श्योरली गोइंग टू रॉक इट एंड यू आर श्योरली गोइंग टू गेट एग्जेम्पशन। ऐसा बिल्कुल लगेगा एग्जाम में, हो सकता है आपको लगे कि यार मैं तो सब भूलते जा रहा हूं भाई, लास्ट मोमेंट तक लगेगा, बट ट्रस्ट मी गाइज, जैसे ही आप क्वेश्चन रीड करोगे और आंसर्स लिखना एक बार स्टार्ट करोगे, फ्लो आ जाएगा और आप अपने आप आंसर्स लिखते चले जाओगे और आपको सारे प्रोविजंस दिमाग में रिकॉल होने लग जाएंगे। ओके गाइस, सो ऑल द वेरी बेस्ट, और ज्यादा काटापिटी मत करना, कीप योर आंसर शीट नीट एंड क्लीन। हैंडराइटिंग खूबसूरत होने का मतलब ये है कि आप जो है प्रेजेंटेशन ठीक से रखना, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि आपको बहुत, ये कोई हैंडराइटिंग का कॉम्पिटिशन नहीं है तो उस पर फोकस नहीं करना है, हाँ, बट आपका जो राइटिंग है वो क्लियर होना चाहिए, नीट होना चाहिए, और ज्यादा काटापीटी मत करके आना, ठीक है? दैट क्रिएट्स अ रॉन्ग इंप्रेशन गाइज। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, रॉक योर एग्जाम एंड प्लीज गिव मी योर कॉमेंट आफ्टर योर एग्जाम्स गेट ओवर, कैसा था आज का एग्जाम, गॉड ब्लेस यू।